है गाइस, जैसा कि अब हम सीखने वाले हैं स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में कैसे अपनी केस फाइल करें। मैं एक हरियाणा का केस इसलिए लेके आई थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले तो बिफोर द ऑनरेबल स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन तो लिखना ही है। जैसे कि हमारे तो हमने हरियाणा लिखा ही है, हाँ ठीक है। आपका मान लो बैंगलोर है तो बैंगलोर लिखना, बैंगलोर में जिस जगह भी है, जिस जगह पे। मान लो आप पंजाब से, तो पंजाब लिख के जिस भी जगह आपकी स्टेट पड़ती है और वहाँ पे स्टेट कंज्यूमर कोर्ट हो तो वहाँ लिखेगा। तो ये जुरिडिक्शन जगह के हिसाब से बदलती है, ठीक है। जो भी स्टेट का होता है मामला, तो स्टेट यहाँ आपको अपने स्टेट का जहाँ पे जहाँ स्टेट का वो लिखना होता है स्टेट, जैसे कि हमारा जैसे कि हमें हरियाणा लिखा है, लेकिन आपके जैसे स्टेट का जो भी जिस जगह पे भी होगा, जिस प्लेस पे भी होगा, उस प्लेस के सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा जहाँ पे भी आपकी स्टेट कंज्यूमर कमीशन होगी। फिर आपका फर्स्ट अपील नंबर ये होता है अपने कोर्ट का नाम, ये कोर्ट का काम होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर्ट का काम है, ठीक है। अभी जैसे 2023 चला तो 2023, 2024 चलेगा तो 2024 लिखा जाएगा, जो भी होगा वो उस ईयर के अनुसार चलेगा। अब इसमें लिखा इन द मैटर ऑफ मतलब किसके बीच ये मामला है। अब यहाँ एपिलेंट कोई कंपनी भी हो सकती है, एपिलेंट एक कोई व्यक्तिगत, जैसे एक इन पर्सन अपना केस भी फाइल करता है। जैसे कि यहाँ अंचल है, अंचल क्या है, कोई कंपनी तो है नहीं है, कोई एग्रीव्ड पर्सन है, तो यहाँ पे उसने उसका नाम लिखा गया है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना होगा वर्सेस जिस भी अगेंस्ट कंपनी के है। हमने यहाँ एक उड़ेमी का केस लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। फिर जैसे यहाँ ये हो गया आपका, थोड़ा सा आपको यहाँ से ये जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ आपका हो गया, फिर इंडेक्स लिखना है आपको। इंडेक्स के बाद आपको अपनाना है पर्टिकुलर फिडेटेड, फिर पेजेज, फिर कोर्ट फी। कोर्ट फी कभी कभार लगती है, जैसे कि मान लो जैसे कि उसके भी एक वो होती है, जैसे कि आप सीधा केस फाइल कर रहे हो, ठीक है, आप सीधा ही स्टेट में फाइल करने आ रहे हो, तो आपको 2000 की फीस देनी पड़ती है। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से मामला निकलता है और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई कोर्ट द्वारा, तो आपको कोई कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है। यदि जैसे कि आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है कि आपको इतना पेनल्टी देना जरूरी है, तो कुछ हाफ मनी देना जरूरी होता है। यदि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी, जिसने केस फाइल करा, जैसे मान लो इन पर्सन मैं ही केस फाइल करती हूँ, मैं मान लो मेरा इनवॉइस का इशू हो जाता है, मेरे केस डिसमिस हो जाता है, या मेरे को वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर वो ना मिला हो और जजमेंट ना मिली हो, तो मैं यदि ऊपर केस फाइल करती हूँ स्टेट में, मुझे कोई कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है। यदि मैं केस हार जाती हूँ और उसमें गलत पाई जाती हूँ, जब मैं कंपनी हूँ और मैं गलत पाई जाती हूँ, फिर मैं एपिलेंट के रूप में यहाँ आती हूँ, जैसे मैं अमेजोन कंपनी हूँ, मैं गलत पाई गई, मैं एपिलेंट के रूप में यहाँ केस फाइल करने आई। अब यहाँ पे जिसके खिलाफ जिसने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस फाइल किया था वो मेरा रिस्पोंडेंट होगा, तो यहाँ उसका नाम लिखा, फिर मुझे कोर्ट फीस पे करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि मेरे खिलाफ आया, मतलब जिसके भी खिलाफ आए उसको कोर्ट फी देनी पड़ेगी। एक होती है एडवोकेट की भी फीस, एक एडवोकेट भी अपनी फीस देता है कि जो अपनी यहाँ लगाता है, ठीक है, तो वो भी कोर्ट फी में आती है। यदि आप इन पर्सन ही खुद केस फाइल कर रहे हो, आपको अपने एडवोकेट हायर ही नहीं किया, सिर्फ आपने ड्राफ्ट करवा लिया किसी वकील से, तो आपको कोई कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं, यदि आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई हो तो, ठीक है। यहाँ से ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ ये मतलब जैसे कि आपका जो प्लेस होगा, यहाँ तो आपको प्लेस लिखना है आपका, फिर यहाँ नीचे डेट। यदि आपने कोई एडवोकेट हायर किया है तो वो अपना जो भी एडवोकेट होगा वो इसमें अपना नाम लिख लेगा, ठीक है, ये बीच में आना था, यहाँ वो अपना एडवोकेट अपना नाम लिख लेगा और अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिख लेगा, ठीक है, फॉर द अपलेंट। और जैसे इसमें जो पर्टिकुलर जो डेटेड ये पेजेस बने हुए हैं, इसमें पहले तो लिस्ट ऑफ डेट इवेंट लिखा जाता है, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा हटा देती हूँ आपके सबके लिए, थोड़ा सा ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी दिमाग को ख़राब करती हैं, ठीक है, ओके। ये मैं चीज़ें हटा रही हूँ, ठीक है, अब ये थोड़ा हट गया होगा। अब लिस्ट डेट ऑफ इवेंट में जैसे कि आपको यहाँ पे जिस भी डेट को आप केस फाइल कर रहे हो वो डेट लिखनी होती है, मेमोरेंडम पार्टी, ठीक है। यहाँ से डेटेड तो इस तरह कोई लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है, डेटेड का इतना कोई मामला तो नहीं होता, इसमें सिर्फ पेजेस का ही मामला है, तो इसको जो इस फोल्डर को हम कर देते हैं मर्ज सेल के रूप में ही कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका कोई इसमें रोल है नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो इसका जैसे कि कोई मामला नहीं दिख रहा तो आप इसको इस तरह इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि डिलीट करना चाहे तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, डिलीट, ये रो हो गई, ठीक है।
तो इस तरह आप डिलीट यहाँ से कर सकते हो जब भी आप ड्राफ्टिंग खुद बनाने की कोशिश करो तो। ठीक है, तो यहाँ से लिस्ट डेट इवेंट में आपको पेज लिखना होंगे कि कितने पेज पे है आपका कोर्ट फी। मेनली जब एडवोकेट होते हैं तभी आपको वही अपने लिए लिखते हैं, अदरवाइज जैसे इन पर्सन हम कोई खुद केस फाइल करते हैं तो हमें कोर्ट फी देने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो उसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, तो इस तरह हमारा होगा। अब जैसे कि सिर्फ आपको पर्टिकुलर बनाना है, पेजेस बनाना है, बट लिस्ट ऑफ इवेंट में आपको जैसे एक या दो पेज के होते तो हम 1-2 ले देते हैं। थर्ड पेज पे जैसे मेमोरेंडम पार्टी आता है, और फोर्थ ये जितनी पेज की आपकी ये फाइल होगी अपील अंडर, जो अब अपील होती है जो अपनी सेक्शन 15 के अंदर होती है, जो न्यू कंज्यूमर एक्ट 2019 है, तो सेक्शन 15 के अंदर अपील होती है, तो जितने भी पेज की आपकी अपील होगी ठीक है वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा विद एफिडेविट को टोटल करके। फिर एफिडेविट का इसमें जैसे हमने अलग अलग ही सेक्शन दे दिए तो आप सिर्फ इसमें कंप्लेंट रखिएगा, एफिडेविट का जो भी पेज होगा वो अलग मेंशन करेंगे। जो ऑर्डर हमारा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से निकला है वो उस पेज नंबर को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं। अब एक इसके इम्पंज ऑर्डर के साथ हमें एक और लगानी होती है, जो नीचे हमने कंप्लेंट कॉपी जो हमने नीचे लगाई थी वो भी हमें यहाँ पे अटैच कर देते हैं, वो भी जितने पेज की उतनी लगा देते हैं। कोर्ट फीस इसमें वैसे हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसमें अपना सिर्फ आधार कार्ड ही लगाएंगे, आधार कार्ड ऑफ कंप्लेंट। अब जैसे कि अभी देख रहे हैं, हमने पहले आपको समझा दिया यहाँ कि आधार कार्ड ऑफ कॉपी ऑफ कंप्लेंट जैसे यहाँ लगता है, ठीक है, और कंप्लेंट कॉपी लगा मतलब, तो आपको जो इसमें जब भी आप कंज्यूमर स्टेट में केस फाइल करते हैं तो आपने जो भी नीचे जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जैसे इम्पंज ऑर्डर तो लगना ही है, जो जजमेंट ऑर्डर लगा है उसकी जब जिस तारीख को वो निकली थी जजमेंट ऑर्डर जिस डेट पे, तो वो लिखना आपको, कंप्लेंट कॉपी आपको लिखना है, साथ में आपने जिस दिन केस फाइल किया तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और आपने जो भी एविडेंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाए थे वो भी थोड़ा बहुत आप मेंशन कर दीजिएगा, कि जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाया लाइक सीसीटीवी फुटेज लगाया या कोई फोन की रिकॉर्डिंग लगाई, कोई आपने कॉल रिकॉर्डिंग लगाई तो आप उसका एविडेंस एक्ट लगा के कि भाई ये ले सकते हो कि अटैच इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, लाइक ऑडियो वीडियो या जो भी मेल प्रूफ है, ठीक है, वो कि जितने पेज क्योंकि आपको उस तरह लिखना होगा, तो जो आपने नीचे कोर्ट में लगाया होगा वो भी आप लगा ही दीजिएगा, और जो आप नीचे वाली कोर्ट में जब मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाया है तो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर वगैरह खास करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी तो अपनी इम्पंज ऑर्डर होता ही है, ठीक है, जजमेंट कॉपी को आपको सिग्नेचर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जो भी अदर आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, यदि आप थोड़ा बहुत करना भी चाहते हो तो सिग्नेचर और अपने ट्रू कॉपी लिख के इसको काफ़ी होगा। जो कि ट्रू कॉपी आपको किस पे लिखना होगा, जो कि हमारे एविडेंस जो भी हम लगा रहे हैं, कंप्लेंट कॉपी के आखिरी पेज पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, इम्पंज ऑर्डर अपना सर्टिफाइड होता ही है, ठीक है, तो इस तरह आप इसको लगा सकते हो, और आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट फीस देने की जरूरत नहीं, यदि आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई कोर्ट द्वारा तो आपको कोई भी कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, क्योंकि आपके ऊपर आपके अगेंस्ट केस फाइल अगेंस्ट कुछ भी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस तरह रहता है। और उसके बाद जो होता है हमारा, हम जैसे कि यहाँ लिखते हैं बिफोर द ऑनरेबल स्टेट कंज्यूमर कमीशन, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको समझाई दिया था, आपको अपनी जो स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका केस फाइल होना है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि हरियाणा का तो पंचकुला है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, इस तरह पंजाब का जो होगा या जो भी आपके शहर का स्टेट होगा वो वहाँ यहाँ लिख दीजिएगा। फिर फर्स्ट अपील नंबर ही कोर्ट का काम है, इन द मैटर ऑफ ये ऊपर वाला ही तरीके का लिस्ट डेट इवेंट आपको लिखना होगा। इसमें थोड़ा बहुत हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना होता है कंपनी का, जैसे मान लो अमेजन कंपनी है तो हम ये लिखेंगे कि हाँ यह डेली प्रोडक्ट्स के बिकते हैं, जैसे कि डेली यूज के प्रोडक्ट, यदि मिंत्रा प्रोडक्ट यदि मिंत्रा का केस है तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे फैशनेबल प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है, जिसमें स्लीपर और ये अपने फैशन वियर प्रोडक्ट आते हैं। यदि मान लो कोई एजुकेशन कंपनी जैसे कि उडेमी जैसी कंपनी, तो थोड़ा बहुत हम इसलिए देते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, और ये टीचिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें इतने कोर्सेज होंगे और इतने स्टूडेंट कम से कम पढ़ते होंगे, और ये मतलब बच्चों को क्या देता है इस तरह के कोर्सेज देता है, ठीक है, तो ये इसकी जो ये वेबसाइट है तो इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ठीक है, ओवर देयर ये अपने प्लेटफॉर्म मतलब इसका एक अपना वेब पोर्टल है जिसका ये वेब एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने जैसे कि ये लिख दिया था अपना मतलब एक वैसी तारीख लिख दी थी, अब इसमें यहाँ आपको इतना तारीख लिखने की वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो जब भी काम चल जाएगा, वैसे तारीख यही होती है कि हाँ हमने स्टेट पर अपना केस फाइल किया बिकॉज हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट था, जैसे कि मान लो हमने 1280 का कोई प्रोडक्ट लिया था स्पोर्टेड, ठीक है, उसकी 30 डेज रिटर्न गारंटी थी कि आप 30 डेज में रिटर्न कर सकते हो अपने पैसे ले सकते हो, ठीक है, तो एप्लीएंट जो था इसमें उसको जैसे कि रिस्पोंडेंट ने बताया कि भाई ये हम कोर्स बेचते हैं और जो ये कोर्स है 30 डेज बैक गारंटी का कोर्स है, और यदि आप इसे संतुष्ट नहीं होते तो आप तो आप वो ले सकते हो रिफंड, लेकिन जैसे रिफंड नहीं दिया तो एप्लीकेंट ने क्या करा अपनी
एप्लीकेंट ने केसफाई कर दिया। तो देर अपॉन जो कि ये परचेजिंग द अफोर सेड अफोर मेंशन जो कोर्स है, ठीक है, तो जो अपीलेंट्स ने काफ़ी मतलब वो किया, मतलब कोर्स में उसको सेटिस्फाई नहीं हो पाया। जैसे कि कंपनी खुद बोलती है कि यदि आप सेटिस्फाई नहीं तब कोर्स रिफंड ले सकते हो, जैसे उडेमी कंपनी करती है एडवर्टीजिंग, तो उसने यही बात बताई है। तो इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मिसलीडिंग का पॉइंट, ठीक है। ड्यू टू दैट सैड रीजन, ठीक है, जो एप्लीकेंट था उसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मेरे को इस 30 डेज बैक गारंटी के अनुसार रिफंड दे दो, लेकिन जो अपना रिस्पोंडेंट था उसने ना ही कोई रिफंड ट्रैकिंग दिया, ना ही उसने कोई बात सुनी, और उसने इस केस के ऊपर कह दिया कि हम कोई रिफंड नहीं देते। तो उसने काफ़ी मेल की एप्लीकेंट ने, यही इसमें बताया गया है। तो उसमें तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी कहाँ केस कहानी का लिखना होता है, ठीक है। फिर अपनी केस कहानी लिख के ये बताना होता है कि आपको निचले वाले जो कोर्ट में क्या क्या आपके अगेंस्ट में हुआ या क्या आपको आपकी फेवर में हुआ, तो थोड़ा बहुत ये लिख के फिर यहाँ लिखना होता है हैंड्स अपील, ठीक है। फिर आपका जहाँ पे भी अपना केस स्टेट में फाइल कर रहे हो तो यहाँ उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होता है, फिर डेटेड लिखना होता है। फिर यदि एडवोकेट के थ्रू कर रहे हो तो एडवोकेट की थोड़ी डिटेल्स ही होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। यदि आप कोई मतलब जैसे कि कोई फर्म के थ्रू कर रहे हो तो वो अपनी फर्म से नाम अपना लिख देती है यहाँ पे। मेमो एंड पार्टी, बस यही होता है कि भाई जैसे कि ऊपर वाली लाइन यही रहेगी, मेमो एंड पार्टी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आपको बस अपना थोड़ा डिटेल लिखना होता है, नाम, एज एंड ऑल, जैसे आपको पता ही होगा। फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है कि जैसे उसका नाम, फिर उसकी प्लेस, फिर उसकी ईमेल आईडी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, फिर फिर इस तरह करके अपना आपको लिखना होता है। तो यहाँ जैसे जो मेन है अपनी अपील, ये जो अपील, जैसे ये जो अपील किसके अगेंस्ट फाइल हो रही है, जो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ था 1986 के अनुसार फाइल हुआ था, 2019 के अनुसार नहीं फाइल हुआ था। तो इसमें ये लिखो कि जो अपील है, ठीक है, जो अपना 2019 एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो सेक्शन 15 है, ठीक है, इसके अंदर ये अपनी अपील फाइल हो रही है, ठीक है। और ये जो अपील फाइल हो रही है इसमें मतलब इसमें ये लिखा कि इसका ऑर्डर गवर्नमेंट, ये एप्लीकेंट के बिहाफ पे हो रही है, जो कि इसका ऑर्डर जो जजमेंट ऑर्डर नंबर ये है, और यहाँ से ये डिस्पोज ऑफ हुई है करनाल से, जैसे कि इसमें करनाल हमने मेंशन किया। फिर इसमें थोड़ा बहुत हमें ये लिखना होता है कि जो एप्लीकेंट है वो अभी प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंट अपील जो कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से पास हो सका केस नंबर ये था, उसकी जो ट्रू कॉपी इन पंज ऑर्डर की जो इस डेट की है वो भी एनेक्सर ए के वन के रूप में अटैच कर दी गई है। एनेक्सर ए वन क्या था, जो कि हमने इंडेक्स में मेंशन किया था। फिर इसमें ये लिखा गया है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म है, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना। तो जैसे मान लो अमेजन कंपनी, तो हम ये लिखेंगे कि ये वो देती है डेली यूज प्रोडक्ट देती है। मान लो मिंत्रा जैसे कोई कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, तो थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ मेंशन करके फिर उसका थोड़ा वेब पोर्टल के बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है, किसकी ये वेब पोर्टल है। फिर इसमें ये लिख देते हैं कि भाई जैसे कि एप्लीकेंट है, जो मतलब जो अपील का मतलब ये होता है कि जो अपने निचले वाली कोर्ट में लिखा है उसी के ऊपर हमें बहस करनी होती है, हम उसमें कुछ अलग से एड ऑन नहीं कर सकते। अपील में ये होता है, तो तभी जब मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप फाइल करवाते हो तो कोशिश करिए कि एक अच्छे वकील से ही ड्राफ्ट करवाएं, ताकि कल आपको अपील में जाते हुए प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप प्रेयर एमसीडीआरसी में भी हो गया, अपना सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया, या स्टेट में भी जा रहे हो, तब भी स्टेट कंज्यूमर कमीशन में भी जा रहे हो, तो अपील में आप उसी पर प्रेयर कर सकते हो जो कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखा है। तो इसमें बस यही लिखा गया है कि भाई जैसे कि जो अपना एप्लीकेंट था उसने इतने का प्रोडक्ट लिया, उसका रिटर्न नंबर यही था, और 30 डेज की इसमें वैलिडिटी दी गई थी कि रिटर्न गारंटी दी गई थी, लेकिन उसने नहीं रिटर्न किया लिया, और जिसके कारण ये अभी केस फाइल करने को मजबूर हो गया अपना एप्लीकेंट। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लिखते जाइएगा। फिर इसमें जो यही है कि आखिरी में जो होता है कि जो ये जो सेट फैक्ट नंबर जो कि ऊपर लिखा गया है टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा की जाती है अपने प्लेटफॉर्म पर, जैसे गूगल और यूट्यूब पर, जैसे अमेजोन भी करता है आजकल, मिंत्रा, बहुत सारी आजकल कंपनियां क्या करती है एडवर्टीजमेंट में, तो कुछ और जाती है, जैसे कि रियल एस्टेट के भी होते हैं कि वो बताते कुछ और देते कुछ और है। तो इस तरीके आप लिख देते हो कि ये फैक्टम था, पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी था, और ये जो रिस्पोंडेंट का एक्ट है ये एक बैड बिजनेस को करता शो करता है, ठीक है, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 89 ऑफ न्यू कंज्यूमर एक्ट, ठीक है, तो जिसमें मिसलीडिंग का ये जो ये ऑफेंस करता है, ठीक है। तो ये रेलिवेंट जो प्रोविजन है ऑफ द सेड सेक्शन 89 इज रिप्रोड्यूस बिलो द काइंड पर्सुअल ऑफ द ऑनरेबल कमीशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उस जो भी हम उसमें ये लगा रहे हैं ऑफेंस किस कारण है, तो उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लो स्पूरियस गुड का है, मान लो कोई फूड रिलेटेड है, तो हम ये लिख देते हैं कि पनिशमेंट फॉर स्पूरियस गुड, जैसे खाने पीने का मामला, उसमें कुछ आपको लगा कि हाँ कोई खाना खराब था, वो जेन्युइन नहीं था, तो वो उससे लिख सकते हैं आप,
ठीक है, इसमें अभी लिखना कि जो अपीलेंट की जो रिक्वेस्ट है भाई रिफंड रिक्वेस्ट वो रिजेक्शन के बाद सी वाज फोर्स भाई जो उसका ये केस नंबर था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कंज्यूमर केस नंबर लिखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कि जिसको मतलब 1000 रुपये मिले थे कंपेंसेशन के रूप में, लिटिगेशन एक्सपेंस मिले था 550 का जो कि इन $500 इस ऑर्डर पर हुआ था, तो जो अपनी LD मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपनी, ठीक है, तो इनटू मतलब जो अपनी सॉरी स्टेट का जो कंज्यूमर को है तो जो रिस्पोंडेंट कंपनी है उसको देखे कि भाई ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके और सेक्शन 89 का ऑफेंस करती है और जो ये इम्पंच ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इज लाइबल टू, कि भाई इसको भी बात को देखा जाए और इस बात पे हमारी इसमें अभी बताया जाएगा कि भाई क्या किस आधार पर हम अब अपना स्टेट में जा रहे हैं। इसमें ये लिखा जैसे हम लिख रहे हैं किस बिकॉज द इम्पंच ऑर्डर इज परवर्स एंड हैज बीन पास्ड आर्बिट्रेटरली एंड ऑन कंजेक्चर एंड सरमाइज विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द फैक्ट, तो इसमें अपने हमें फैक्ट लिखना होता है कि किस किस कारण से हम केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा कि जो कंपनी है पनिशेबल है न्यू कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि उसने मतलब मिसलीडिंग किया है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के साथ उसने अपनी कोई ड्यूटी बाउंड थी कि वो जो अपनी गारंटी दे रहा है उसको पूरा करे, ठीक है। तो ये जो डबल डिलेज की गारंटी देता है तो ये ग्रीन चिट दिखा रहा है कि भाई रिस्पोंडेंट को फॉर कंटिन्यू यदि मतलब जो अपना स्टेट कंज्यूमर कमीशन है यदि इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा तो वो कंटिन्यूटिंग ये अपना मिसलीडिंग का जो एडवर्टीजिंग का है दोबारा से सर्कुलेट करता रहेगा। तो इस तरीके से अपनी मतलब अपने ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं। फिर आखिरी में ये लिखना था थोड़ा बहुत कि जो अपीलेंट है वो प्राइमा फेसी पे आया है, मेरिट बेस पे आया है और इंस्टेंट केस है उसका जो कि क्वेश करने इंस्टेंट केस है इज फिट फॉर क्वेशिंग द ऑर्डर, ठीक है। जो भी मतलब कोर्ट का जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग में आया है और जस्टिस के लिए आया है यहाँ पे, जो अनेक्सर है जिसकी ट्रू कॉपी है जो रिस्पेक्टिव ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसमें प्रेयर हम यही करते हैं कि भाई जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर हुआ है इस डेट को हुआ है उसका केस नंबर ये था, ठीक है, अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हुआ है मतलब हमारा जो इसमें अपीलेंट है वो जीतता है। जो इसमें इशूइंग किया गया है उसमें जो सेक्शन 89 है उसको भी अब मतलब इशू किया जाए उसके ऊपर उसके अगेंस्ट भी ऑर्डर किया जाए कि भाई जो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर रहा था उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया जाए। तो इस तरीके से हम प्रेयर करते हैं। फिर नीचे आता है कि भाई थोड़ा सा आपको यहाँ डेट लिखना होता है अपना जहाँ पे आप केस फाइल कर रहे हो, तो हमें वहाँ पे अपना केस लिखना होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें स्टेट कंज्यूमर कमीशन है ये थोड़ा ये एफिडेविट बनाया, एफिडेविट में मेनली बस यही रहता है कि इसमें आपको ये कहना था कि जो ऊपर आपने लिखा है वो सही है और ये ऐसा कोई सिमिलर केस आपने अभी तक कोई नेशनल कंज्यूमर कमीशन में नहीं फाइल किया और जो भी हमारे अबव फैक्ट हैं वो इस डेट को ऑर्डर हुआ था, ये हमारा कंज्यूमर केस है डेट हमने फाइल किया था और हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अपना प्लेस लिखना होता है, फिर डेट लिखनी होते हैं, ठीक है। फिर वेरीफिकेशन में लिखना था कि जो ऊपर के पैर है वो सही है और मेरे नॉलेज में है और इसमें कुछ भी कंसील नहीं है, कोई भी फॉल्स नहीं है। तो बस इस तरीके से अपने ये जो एफिडेविट है उसको नोटरी से एफिडेविट करवा के नोटराइज करवा के आपको केस फाइल कर देना होता है, अपना सिग्नेचर यहाँ नीचे यहाँ पे एफिडेविट में करना होता है, साथ में अपना यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। सिर्फ हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट हो जाती है तैयार। अब हम देख रहे हैं आप जैसे हमारे दीवानशिफ लोग हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ जस्ट मिनट। जैसे कि मैं अपना चैनल खोल रही हूँ, चैनल मैंने अपना खोला, ठीक है। अब यहाँ जैसे मेरे दो चैनल हैं आप इनको जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा ताकि मैं इस पर भी जो अपना एजुकेशनल कुछ और भी डालती रहती हूँ और भी लोगों से रिलेटेड कुछ बातें डालती रहती हूँ तो वो भी आप से मिस ना रहें। हमारा दीवानशी डिजिटल लॉ एंड मीडिया कंपनी के नाम से भी फेसबुक पेज है, ठीक है, ग्रुप भी है हमारा और इसके अलावा हमारा दीवानशी के नाम से लिंक्डइन पे भी है, हम हमारा खुद का लिंक्डइन पे पेज पे भी है दीवानशी के नाम से, हमारी वेबसाइट भी है दीवानशी के नाम से और दीवानशी के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम है। आपको हमारे बारे में पूरा जानना है तो आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा और अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी और हम क्या क्या सिखाते हैं ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही आपको हमारे लिंक्स में ये मिल जाएगा कि हमारे पेज कौन से हैं, हमारा लिंक्डइन का अकाउंट कौन सा, हमारे सभी तरह के आपको पेज और अकाउंट मिल जाएंगे तो आप हमें वहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रहती है, कितने आज तक काम की रही है, कितना आप हमसे कुछ सीख पाए हैं, कितना आप हमसे और कुछ सीखना चाहते हैं, सारा कुछ आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपको क्या नया सीखना है और आपने अभी तक हमसे क्या क्या सीखा है। और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, करियर काउंसलिंग लेनी हो, या कोई ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना हो, या कोई आपको लॉ रिलेटेड या मीडिया रिलेटेड कोर्स करना हो, तब भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। जो भी हमारी सर्विस होती है हम यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं कि हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं आजकल, तो उसको देख के आप हमें मेल करके आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमसे सर्विस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।